9 अप्रैल को शाम 5:15 बजे इंदौर के अभय प्रशाल स्टेडियम में सजेगा श्री श्याम कृपा महोत्सव। ज्योत जलेगी, इत्र बरसेगा, उड़ेगा रंग गुलाल, होगी फूलों की वर्षा, देखने लायक होगा मेरे श्याम का भव्य श्रृंगार। आप सभी धर्म प्रेमी जनता परिवार सादर आमंत्रित है। विनम्र भाव से बुला रहे हैं, दिन है रविवार, करने वाला श्री श्याम, कराने वाला श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर में लगातार चोरी के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां बदमाशों ने सोने मकान को देख कर निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के लेक पैलेस कॉलोनी का है। लेक पैलेस कॉलोनी में रहने वाले फरियादी रामदास ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और मैं मेरे निजी काम से बाहर गया हुआ था। जब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं सभी फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कोई अज्ञात आरोपी ने घर का ताला तोड़कर प्रवेश कर अलमारी से रखे सोने चांदी के जेवरात और 20,000 और नगद लेकर बदमाश फरार हो गया है। फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। फरियादी रामदास काटोलकर, ये 15 बटालियन में हवलदार के पद पर पदस्थ है। ये रहते हैं जो अपना पुलिस की हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर इनको क्वार्टर है, ये वहाँ पर रहते हैं। इनका जो बेटा है वो लेक पैलेस में, अब बेटा और बहू दोनों रहते हैं। 2 तारीख से बेटा और बहू, बेटा जो है वो बाहर अपने सर्विस के काम से आना जाना करता है, बहू मायके गई हुई थी, घर पर ताला लगा हुआ था। कल सुबह इनने जाकर वहाँ पर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। जब अंदर इनकी पत्नी ने पूरा चेक किया तो पाया कि उसमें 20,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवर, जो 3-4 आइटम थे, जिसमें एक कान का झुमका था 5-6 ग्राम का, एक अंगूठी थी 4 ग्राम की, और चांदी की पायल, चांदी की बिछिया और कड़े, ये कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर चोरी करके ले गया है। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध में धारा 457-380 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज की तलाश करते वहां पर तो नहीं है, लेकिन आसपास जो और कैमरे लगे हैं उनके आधार पर अज्ञात आरोपी की पतासाजी के प्रयास चल रहे हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।